एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपर बात करेंगे जो यूरोपियन टाइटन जिब्राल्टर का आज के दिन का मैच होगा जो खेला जाएगा स्लोगर्स वर्सेस पायरेट्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है आपको ये मैच खेलना है या नहीं खेलना है, और खेलना है तो आप कैसे यहाँ पर अच्छी टीम बना सकते हो उसके लिए आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको फाइनल टीम, न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स और ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करेंगे इस मैच के बारे में, तो मैच रात में 12 बजे स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा यूरोपा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिब्राल्टर में। आर्टिफिशियल विकेट है तो पिच का जो बिहेवियर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। एवरेज इसको 60 से 90 देखने को मिल जाएगा। 54 मैचेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, 19 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 29 में चेज हुआ है, मतलब यहाँ पर चेज करने वाली टीम को क्लियर एडवांटेज रहता है, ये बात आप ध्यान में रख के चलिएगा। पहले बात करें यहाँ पर पायरेट्स की टीम की, तो पायरेट्स की टीम ने यहाँ पर लास्ट के जो 6 मुकाबले खेले हैं उसमें से 4 हारे हैं और 2 मुकाबले जीते हैं। ओपन करेंगे यहाँ से केनरोई नेस्टर और ईशान पटेल, दोनों बहुत शानदार प्लेयर हैं। केनरोई नेस्टर की बात करूँ, लास्ट के 6 मैच में 2 विकेट और बल्ले से यहाँ पर 16, 5, 6, 7, 37 नॉट आउट 5 हैं। ईशान पटेल की बात करूँ तो ये भी जब या तो यह विकेट कीपिंग करवाता है, अगर ये विकेट कीपिंग नहीं करवा रहा तो फिर ये 2 ओवर की बॉलिंग पूरी डालता है। लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर 5 विकेट्स हैं और बल्ले से 4, 20 नॉट आउट, 21, 11, 15 नॉट आउट और 17 नॉट आउट हैं। जोनाथन वेस्ट कुछ मैच में ओपन करता है और कुछ मैच में वन डाउन भी आ जाता है। ओवरऑल बैटर ठीक ठाक है, 13, 1, 7, 34 नॉट आउट, 9 बैटिंग 0 है। रॉबिन यहाँ पर पैटरी हैं, 3 मैचेस खेला है, 3 में इसने 5 ओवर डाले हैं जिसमें 1 विकेट है और यहाँ पर बल्ले से भी 1, 21, 26 है। अब इसकी अगर टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप इसको टीम में रख सकते हो, क्योंकि इसके 2 ओवर करवाने के चांसेस रहेंगे। T10 में 5 मिनट में 32 रन, 2 विकेट है, 9 ओवर डाल के। एंड्रयू रीड्स एक और ऑलराउंडर, लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर 5 विकेट, बल्ले से यहाँ पर 6, 5, 51 नॉट आउट हैं। डेविड रॉबिन्सन ये कुछ मैच में थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आता है, लेकिन अभी इसको नीचे बैटिंग मिल रही है, देखो क्या कर रहा है, 22 नॉट आउट, 21, 24, 13, 18 नॉट आउट, 9 बैटिंग। तो मतलब जब भी इसको मौका मिला है ना, बंदे ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। रयान ग्रिम्स हैं, लास्ट के 6 मैच में इसने 5 ओवर डाले जिसमें 3 विकेट हैं, ज़्यादा बॉलिंग मिलती नहीं है और बैटिंग भी नीचे करता है, 3, 27 नॉट आउट, 22 नॉट आउट, 9 बैटिंग है। माइकल लेमिन देख सकते हो आप, कोई खास रिकॉर्ड नहीं। पॉल ग्रांट लास्ट के 6 मैच में 1 ओवर डाला है। रिचर्ड कनिंगम हर मैच में लगभग 2 ओवर डालता है, लास्ट के 6 मैच में 6 विकेट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आशीष जियानी लास्ट के 6 मैच में 6 ओवर डाले, विकेट कोई नहीं है इसके नाम। GL में अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन है, केनरोई नेस्टर, ईशान पटेल, जोनाथन वेस्ट अगर टॉप ऑर्डर में खेलता है और इसकी टीम पहले बैटिंग करती है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। रॉबिन पैट्री, एंड्रयू रीज और इसके अलावा नीचे से रिचर्ड कनिंगहाम, रयान ग्रिम्स मेरे को उतना खास नहीं लगता। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेलता है तो उसके स्टार्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के जो ओवर्स हैं वो डालेंगे यहाँ से एंड्रयू रीज, केनेस्टर, ईशान पटेल। डेथ के ओवर डालेंगे ईशान पटेल, एंड्रयू रीज, केनेस्टर। बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि स्लोगर्स की टीम की। स्लोगर्स की टीम ने आपके लास्ट के 6 में से सिर्फ एकमात्र मुकाबला जीता है, 5 मुकाबले हारे हैं। ओपन करेंगे यहाँ से ब्रायन जिमिथ और क्रिश्चियन नवाज। ब्रायन जिमिथ जो है अच्छे ऑलराउंडर हैं, लास्ट के 6 मैच में हालांकि विकेट सिर्फ 1 है लेकिन बॉलिंग लगभग हर मैच में करवाई है। बल्ले से 6, 1, 0, 3, 12, 59 नॉट आउट है। क्रिश्चियन नवाज की बात करो तो इनकी बैटिंग उतनी खास है नहीं, बॉलिंग लास्ट के 6 मैच में से सिर्फ 1 मैच में करवाई है जहां पर 1 विकेट है। बल्ले से 9 बैटिंग 5, 9 बैटिंग 1, 2, 0 है और ज़्यादातर नीचे खेलता है, लास्ट मैच में जरूर ओपन आ गया था। क्रिश्चियन बारबरा लास्ट के 6 मैचेस में देखो 3 में इसने बॉलिंग कराई है लेकिन लास्ट के 2-3 में से विकेट कीपिंग कर रहा है तो बॉलिंग तो करवाएगा नहीं, बैटिंग क्या कर रहा है, 1, 1, 0, 3 बिल्कुल खराब। जवाद भुखारी हैं, ये भी बैटिंग बॉलिंग कर सकता है, लास्ट के 6 मैच में 3 विकेट, बल्ले से 16, 1, 5, 13, 24 नॉट आउट, 1 रन है। बीच में इसने 2 मैच में बॉलिंग भी नहीं करवाई थी, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलेगा थोड़ा सा। राहुल दसवानी 7, 0, 1, 3, 4, 3 उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। डेमन डेलगाडो लास्ट के 6 मैच में 3 ओवर डाले, विकेट कोई नहीं है और बल्ले से 9 बैटिंग 9 बैटिंग 1 नॉट आउट, 3 और 5 नॉट आउट है। जोसेफ अनिल खास रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ से जो ना सनुजान जो प्लेयर आया है ये बहुत अच्छा बॉलर है, लास्ट के 2 मैच जो इसने खेले दोनों में 3 विकेट है, अच्छी खासी बॉलिंग करवाई थी इसने। टिमुथ रियोकी ये भी 2 मैच खेला था, दोनों मैचों में मिला के 1 विकेट था, दोनों में 2-2 ओवर अपने कंप्लीट डाले थे। सी हैरिसन
कोई खास रिकॉर्ड नहीं क्योंकि बॉलिंग ही नहीं मिल रही। और सब्सिडियान सुआरेज ये अच्छा बॉलर है, दो मैच में दो विकेट्स हैं और दो दो ओवर इसने डाले हैं। यहाँ से आप पिक कर सकते हो बी जमित, जवाद भुखारी, इसके अलावा यहाँ से सनुजान, यहाँ से टिमोथ रियोकी और यहाँ से सब्सटियान सुराज है। बाकी कोई खास प्लेयर है नहीं, बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टैट्स मिलेंगे। स्टार्टिंग के ओर डालेंगे एस सुराजे, जे भुखारी, डेथ के ओर डालते हैं बी जमित, टी रियोक और एस यहाँ से वेदराजन। तो एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूं यहाँ पर डेमो टीम की तो आप देख सकते हो कि विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रखा है ईशान पटेल को, बैटिंग सेक्शन से रखा है ए जियानन, डी रोबिनसन, आर ग्रिम्स और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से जवाद बुकारी, बी जमित, यहाँ से एंड्रयू रीस, के नेस्टर को रखा है और बॉलिंग सेक्शन से टी रियोक, एस सुराजे और आर कनिंगम को रखा है। कैप्टन में यहाँ से के नेस्टर, वॉइस कैप्टन ए रीज हैं। अब देखो ये तो मेरी टीम है अदर ऐप पे, लेकिन अगर आप ड्रीम पे खेल रहे हो तो ड्रीम पे आप क्या करना, जियानिन और ग्रिम्स को ड्रॉप करना और एक तो आप यहाँ से सोराजे को रख लेना और दूसरा जो एक और प्लेयर है यहाँ पर जो वेदराजन जो प्लेयर है ना यहाँ पर वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है तो उसको रख लेना। दो चेंज आप बिल्कुल कर लेना इन दो को ड्रॉप करके। बाकी जो भी फाइनल टीम होंगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।